What is going on guys, welcome back to day 19 of our F2P adventure जहां हम 90 days में World Boss Legend को challenge करने वाले हैं। हमें new player check-in से मिला है 250 crystals and कल के login से हमें मिलने वाला है 600 crystals, so we will be around 4000 crystals by the time anniversary comes. Along with that, day minus 2 से हमें मिला है एक level 70 mega advanced potential ticket, ये जिससे हमें character को level 60 से straight away level 70 ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा था मेरे options कि मैं किन characters को level 70 कर सकता हूँ। मेरे पास more than enough DPS characters अभी 70 पे है, जो कि है Thor, Sharon Rogers and Captain America. So I was thinking about going for a lead or a support character जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से help कर पाएगा for the most of my characters. बट उससे पहले, मैं decision लेने से पहले world boss खेल रहा था, तो I cleared our world boss of the day. तो मैंने खेला है Proxima Midnight, द रीज़न बीइंग दैट कि अभी हमें बैम चाहिए इन ऑर्डर टू गेट क्विक सिल्वर टू 6 स्टार. उससे पहले स्कारलेट विच को करके कोई फायदा नहीं है, एपोकलिप्स को अगर हम कर भी देंगे फुलफिल, वी विल स्टिल बी लैकिंग वन रिक्वायरमेंट, जिसमें क्विक सिल्वर से 5 बार स्कारलेट विच को खेलना, सो दैट इज बेसिकली 5 डेज ऑफ स्कारलेट विचिंग. सो इस रीज़न से मैं खेल रहा था Proxima Midnight ताकि हमें बुक्स मिल सके, ताकि मैं कैप्टन अमेरिका को tier 3 कर सकूँ. वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड मटीरियल्स एक्सेप्ट फॉर द बुक्स. तो 2 बुक और आ जाएगा तो मेरा कैप्टन अमेरिका tier 3 पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, विच विल बी रियली रियली गुड. सो इसी के साथ हम वर्ल्ड बॉस अल्ट्रॉन खेल रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड इवेंट से. तो आज हम शेरन रॉजर्स से पहला रन करते हैं, और शेरन रॉजर्स आप देखोगे कि काफ़ी जल्दी क्लियर कर देती है. और आई एम लविंग शेरन रॉजर्स, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग शेरन रॉजर्स माई नेक्स्ट tier 3 भी, बिकॉज हम टाइप देख के चल रहे कैरेक्टर्स का. तो पहले कॉम्बैट में कैप्टन अमेरिका को पिक कर ले रहा हूँ मैं, ब्लास्ट में हम कर ले रहे शेरन रॉजर्स को, यूनिवर्सल में मैं थॉर को पिक कर ले रहा हूँ, एंड स्पीड में आई एम थिंकिंग अबाउट इफ लूना स्नो गेट्स अ यूनिफॉर्म, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 महीने से पहले तो लूना स्नो को नया यूनिफॉर्म मिल ही जाएगा, क्योंकि शेरन रॉजर्स को मिल चुका है. तो इसीलिए हम करने वाले हैं स्पीड टाइप में लूना स्नो को, इफ़ वी कैन गेट आर हैंड्स ऑन हर. सो विल सी अबाउट दैट, अगर tier 2 प्रीमियम सिलेक्टर मिलता है एनिवर्सरी से, सो आई विल प्रोबेबली पिक अप लूना स्नो, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर गुड ऑप्शंस फ्रॉम देयर. अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे हम थॉर के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे शेरन रॉजर्स ने 1 मिनट एंड सम सेकेंड्स में कर दिए थे, वहीं पे आप देखोगे कि थॉर इज स्ट्रगलिंग. उस पर है एक मिनी रेज विथ लाइटनिंग डैमेज, जो कि काफ़ी तगड़ा मिनी रेज ऑब्लिस्क है, और शेरन रॉजर्स पे सिर्फ 140 प्रॉक था, एंड इवन विद दैट शी वॉज डूइंग सो गुड, और थॉर इज स्ट्रगलिंग अ लॉट. सो आई वॉज कन्फ्यूज हियर कि वाई थॉर इज स्ट्रगलिंग सो मच, बट इट इज़ जस्ट हाउ हिज किट इज. वो मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है दैन फोकसिंग हिज डैमेज ऑन अ सिंगल कैरेक्टर. और साथ में शेरन रॉजर्स के पास बेस्ड ऑन डैमेज टेकन एक्यूमुलेशन है, तो ऑब्वियसली अल्ट्रॉन हिट्स रियली वेरी हार्ड, तो शेरन एक्यूमुलेट भी उतना ज़्यादा करती है, एंड देन इवेंचुअली डील दैट डैमेज टू द एनिमी. तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक शेरन शोकेस हो गया और कंपेरिजन हो गया विथ थॉर. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइस कि न्यू प्लेयर्स के लिए शेरन रॉजर्स इज अ रियली गुड फ्री टू प्ले ऑप्शन, जो कि काफ़ी प्रॉक फ्रेंडली है एंड काफ़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर है. सो इफ़ यू वॉन्ट टेक अ कैरेक्टर, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गो फॉर शेरन रॉजर्स, शी इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू फॉर योर मनी. और थॉर बिल्कुल ही स्ट्रगल करते हुए वहीं पे, तो यहाँ पे आ गया अपना 8th बार पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ही विल गो इनटू ऑप्टिमाइजेशन एंड आई विल गेट स्टंड, एंड स्टिल कैरेक्टर नहीं मरेगा बिकॉज दिस इज अल्टीमेट, तो आधा बार ही खाता है ये कैरेक्टर का, विच इज़ रियली गुड. नो मैटर वॉट कैरेक्टर इट इज़, ही विल ऑलवेज टेक हाफ ऑफ द हेल्थ ऑफ द कैरेक्टर. और अगर ये वही लेजेंड होता तो ये पूरा HP खा जाता है, एंड द कैरेक्टर वुड हैव डाइड. सो स्ट्रगलिंग विथ थॉर, एंड वी गो इन टू हिज नेक्स्ट फेज, जहाँ पे ये एनर्जी फ्रॉम अदर डायमेंशन रिलीज करते हैं. नाउ एज सून एज वी डॉज ऑल ऑफ दैट, वी विल किल अल्ट्रॉन. सो द एंड इज नियर. ओके, थॉर इज डॉजिंग रियली नाइस. काफ़ी डिफिकल्ट होता है कभी कभी ये, बट सिंस दिस वॉज अल्टीमेट, इट वॉज डैमेज भी उतना ज़्यादा नहीं था, एंड ऑप्टिमाइजेशन में हम इजीली ऑप्टिमाइज कर लेंगे अल्ट्रॉन को, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई एम प्रिटी यूज टू दिस, तो हम सक्सेसफुली स्टॉप कर लेंगे, एंड विद दैट 3 मिनट्स अराउंड लिया. सो बेसिकली ऑलमोस्ट डबल द टाइम ऑफ शेरन रॉजर्स लिया है थॉर ने. सो बाय द टाइम आई डिड दिस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किस कैरेक्टर को करूँगा मेगा एडवांसमेंट टिकट, पोटेंशियल एडवांस टिकट. सो आई थॉट लेट्स गो विथ आयरन हार्ट, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी सपोर्ट होने वाली है, एंड ये अवेकन कैरेक्टर रैदर देन अ tier 3 कैरेक्टर, जिसको हम काफ़ी आसानी से अवेकन कर सकते हैं. सो tier 3 और अवेकन के बीच में बैलेंस देख के हमें चलते रहना पड़ेगा. आई हैड मोर मैंडले फ्रेगमेंट्स देन दैट, सो हम फुली अवेकन करेंगे. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर द गियर्स. एज यू कैन सी आई हैव 1400 एंड 1500 ऑफ ईच, तो दिस इज बेसिकली मोर देन एनफ टू अवेकन अ कैरेक्टर. एंड सिंस हम वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट अप फार्म करने वाले रेगुलरली फॉर सम डेज, सो आई थिंक आई बी एबल टू गेट मोर देन एनफ TCP एंड EOD टू गेट कैप्टन अमेरिका टू tier 3, और साथ ही साथ एनिवर्सरी से एक tier 3 सिलेक्टर मिला. सो आई वॉन्टेड टू हैव एटलीस्ट अ टीम रेडी
ताकि हम वर्ल्ड बॉस लेजेंड के लिए प्रिपेयर रहे ऑन द डे ऑफ एनिवर्सरी. सिर्फ 2 दिन बचे एनिवर्सरी के आफ्टर दिस. सो या विद दैट मैंने आयरन हार्ट को कर लिया है. और फिर हमने किया कैप्टन अमेरिका को यूज करके ABX एंड लेवल 70 गियर्स 25 वाज डूइंग रियली रियली गुड. ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन किया है कैप्टन अमेरिका ने एंड आई वाज रियली रियली इंप्रेस्ड विद हिम. सो या विद दैट बाकी सब कंटेंट हमने कर लिया था क्लियर. आई वोंट शो इट टू यू. डायमेंशन मिशन अलायंस बैटल GBR वगैरह. सो या विद दैट इस वीडियो के एंड में हम आते हैं. अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे आपसे अगले दिन में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय.